नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। तो देश भर में आज महानवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, तो दूसरी ओर घरों में कंजक पूजन भी हो रहा है। नवरात्रि के व्रत के बाद लोग कंजक पूजन कर अपना व्रत खोल रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग क्षेत्रों की जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां धूमधाम से महानवमी मनाई जा रही है। तो रतलाम, सतना, ग्वालियर, झाबुआ और खरगोन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। महानवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के व्रत खत्म हो रहे हैं और इसके बाद अब कंजक पूजन और व्रत खोलने का सिलसिला जारी है। मां के दरबार में भक्तों का जबरदस्त तांता लगा हुआ है। भक्त दर्शन करने भक्त और श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। जगह जगह भंडारा प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने घर पर आज कन्या भोज का आयोजन किया है। इस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दरअसल हर साल भोज का आयोजन करते हैं शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह इस मौके पर। तो ये तस्वीरें तो विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह, इसके बाद कन्या भोज भी कराया खुद अपने हाथों से परोसा शिवराज सिंह चौहान ने। बेटियों को, विशेषकर बेटियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने 9 दिन भक्तिभाव से भर के देवी माँ की पूजा की। आज 9वां दिन माँ सिद्धदात्री के रूप में सबको आशीर्वाद देती है। मैया के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नरसिंहपुर में माता रानी और उनके पंडाल का अनोखा श्रृंगार किया गया। 51 लाख के नोटों और गहनों से माता की मूर्ति और पंडाल को सजाया गया है। मां के स्वरूप को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर कोई इसे अपने मोबाइल में कैद कर रहा है। बाहर से आए कलाकारों ने 20, 50, 100 और 200 से लेकर 500 रुपए तक के नोटों की झालरें बनाकर पूरे मंडप को बेमिसाल तरीके से सजाया हुआ है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए दुर्गा पंडाल परिसर में बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं और चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ये तस्वीरें नरसिंहपुर से सामने आई। मैंने ये दुर्गा जी का इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखा। 51 लाख की दुर्गा जी रखी हुई हैं, जो कि 20, 50, 100, 200 और 500 के नोट से सजावट हुई है। जैसे ही मैंने देखा तो फिर मैं इतना अचंभित हो गया कि मुझे देखने के लिए आना पड़ा। मैंने जनशताब्दी पकड़ी भोपाल से और सीधा मैं यहाँ आ गया दर्शन के लिए। और मैं सिंगपुर से स्पेशली ये देवी जी की अद्भुत प्रतिमा को देखने आई। दरअसल मैंने सोशल मीडिया पे इनकी डेकोरेशन के बारे में देखा हुआ था, तब से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि नोटों की मदद से इतनी अच्छी डेकोरेशन कैसे हो सकती है। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के नोटों से इतनी अच्छी डेकोरेशन करी है। फूल बनाए गए हैं, झालर बनाई गई है। ये बहुत ही अचंभित है और बहुत ही अद्भुत है कि लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी ये डेकोरेशन को करने के लिए। और वाकई में आपकी अपने आँखों पर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप क्या कुदरत का करिश्मा देख रहे हो। देखिए, छोटा सा प्रयास कर रहे थे हम लोग कि कहीं ना कहीं कुछ अलग हो शहर में, और देखते देखते मतलब हम लोगों को भी नहीं मालूम था इतना बड़ा रूप लेगा। और बहुत ही मेहनत लगी, दूर से कलाकार दुविधाएं तो बहुत आई, पर सारे मंडल वालों ने सहयोग करके इस चीज को। और नवरात्रि के मौके पर देश भर में पूजा पंडाल सजे हुए हैं। यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में दुर्गा पंडालों में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं।
ये तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आई हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद हिंदुओं के त्योहार भी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। पहली बार श्रीनगर में नवरात्रि पर दुर्गा पंडाल सजाया गया, जहां आकर लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बहुत खुश हैं हम, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, इतने दिन से अभी हुआ नहीं था, तो हमें बहुत मजा आ रहा है, तो बहुत ठीक तरह से हो रहा है। असम के डिब्रूगढ़ में दुर्गा पंडाल सजा है, जिसकी थीम पक्षियों के संरक्षण पर रखी गई है। हमारा जो मेनली जो थीम है वो बर्ड्स कंजर्वेशन के ऊपर है, जो बर्ड्स को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है सिटीज, बिल्डिंग्स और डिफॉरेस्टेशन के कारण, उसको एड्रेस करने के लिए हमारा एक सोशल इशू के तरफ ये हमारा एक थीम बेस्ड है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी दुर्गा पंडाल सजा है, जिसमें अखबारों का भी इस्तेमाल किया गया है। ओडिशा के कटक में भी नवरात्रि की धूम है, यहाँ जगह जगह दुर्गा पंडाल लगे हैं, जहाँ देवी को सोने और चांदी के आभूषण पहनाए गए हैं। गाजियाबाद में माँ दुर्गा का भव्य पंडाल सजा है, लोग माँ की आराधना के लिए पहुँच रहे हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी पूजा पंडाल में पहुँची, उन्होंने दुर्गा माँ से आशीर्वाद लिया। मुंबई में लगे दुर्गा पंडाल में आम से लेकर खास सभी लोग पहुँच रहे हैं। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी माता के दरबार में हाजिरी लगाई। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी पंडाल में पहुंची और थोड़ी ही देर बाद काजोल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मेरठ के 450 साल पुराने मां काली के मंदिर में चांदी के छत्र, चांदी के मुकुट और चांदी के कुंडल पहनाए गए हैं। मंदिर की सजावट और मां का श्रृंगार निराले अंदाज में किया गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान पूर्वांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शीतला चौकिया धाम दरबार में माता दुर्गा की पूजा हो रही है। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। शाहजहांपुर में दुर्गा पूजा की भीड़ मंदिरों में दिखाई पड़ रही है। श्रद्धा भाव से भरे श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त हमारे साथ हमें जयसवाल खंडवा से जुड़ रहे हैं, साथ ही रायपुर से आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, रामनवमी पर या कहें नवरात्रों पर कैसी तस्वीर आज आपको देखने को मिल रही, चूंकि प्रदेश भर में, दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जमकर भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आकाश जी, बिल्कुल, आज अष्टमी और नवमी की तिथि में पड़ा है, तो देखो पूजा का दिन है और लोगों ने ये तस्वीर जो हमारे पीछे देख रहे हैं, माँ दुर्गा विराजमान है और एक एक करके लोग पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। हवन का भी सिलसिला चल रहा है, यहाँ पर भी कुछ देर में हवन शुरू होने वाला है, ऐसे में पूरी तैयारियां चल रही है। साथ ही जो है वो घरों में भी नौकन्या भोज भी कराए जा रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना चल रही है। लोगों में उत्साह देखने को बनता है, माँ की भक्ति देखने को बनती है, क्योंकि साल में एक बार ये 9 दिन का त्यौहार आता है। 9 दिन का पर्व जो है वो माँ दुर्गा के आराधना के लिए सबसे विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है और भक्ति में लीन जो है वो लोग नजर आते हैं। ये सिलसिला हर जगह देखने को मिल रहा है, राजधानी से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी दुर्गा पंडाल है सब में लोग पहुँच रहे हैं, घर में भी बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और भक्ति में लीन लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, रहिएगा आकाश, लौटूंगा आपके पास। अमित जयसवाल खंडवा से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, दुर्गा पंडालों में क्या तस्वीर है आप दिखा सकें और उसका विश्लेषण कर सकें अगर, अमित? जी बिल्कुल प्रशांत, खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा में नवरात्र को लेकर उत्साह है और देवी आराधना में भक्त जो हैं वो लीन हैं। इस वक्त मैं खंडवा के माता चौक पर हूं और यहां जेपीपी क्लब ने जो है एक भव्य जो है पंडाल सजाया है और माता रानी के दर्शन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को कराएंगे। ये देखिए, ये 28 फीट की जो प्रतिमा है ये दर्शकों को जो भक्त हैं उनके लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है और यहाँ जो जिन्होंने तैयार की है पूरी झांकी, उनसे बात करेंगे किस तरह से ये तैयार किया गया है। सर, ये लगभग 3 महीने से यहाँ पर जेपीबी क्लब के 150 कार्यकर्ता यहाँ पे मेहनत करते हैं और आप जो देख रहे हैं हमारी माई का रूप, ये प्योर मिट्टी से बनी हुई है, इसमें गंगा की मिट्टी और जो जो इसमें लगता है कलकत्ता के कारीगरों द्वारा ये बनाई गई है, श्रृंगार स्पेशल कलकत्ता से आया हुआ है। खंडवा में माता चौक पर लोगों की बहुत जिज्ञासा रहती है कि माता चौक पर माता रानी कैसे दर्शन देगी, हर बार यही हम मुस्कुराता हुआ माता का रूप लाते हैं। जेपीबी परिवार
हमेशा यही चाहता है कि उस माता चौक का नाम माता रानी के नाम से चलता है। बिल्कुल, माता चौक का नाम माता रानी के नाम से चलता है। कुछ भक्त भी हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा। आज तो अष्टमी भी है और नवमी भी है। आज अष्टमी भी है और नवमी का पर्व है, और नवरात्रि के 9 दिन तो माँ की जो भक्ति होती है वो अलग ही होती है, क्योंकि माँ जो होता है, माँ शब्द में ही बहुत बड़ा प्रेम है। तो 9 दिन मतलब भक्त उपास रखते हैं, कई भक्त जो पैदल रहते हैं, कुछ लोग खाना भी नहीं खाते हैं, एक लौंग एक बादाम पे पूरे 9 दिन निकाल देते हैं। और 9वें दिन जो रहता है ना, मन बहुत ऐसा भावुक रहता है, क्योंकि नवरात्रि का जो उत्सव रहता है वो अंतिम चरणों में रहता है। भावुक, मन भावुक हो रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे नवरात्रि को लेकर? मैं यही कहना चाहूंगा कि नवरात्रि का ये पर्व जेपीबी क्लब में हमेशा ही बहुत ही अच्छे से, बहुत ही भव्य दिव्य तरीके से मनाया जाता है, और इसको देखकर आंखें अभिभूत हो जाती हैं, मन अभिभूत हो जाता है माता जी का दर्शन करके, इतनी सुंदर झांकी यहाँ होती है। बिल्कुल, मन अभिभूत हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? हमेशा माता रानी का आशीर्वाद जेपीबी क्लब और खंडवा वासियों के ऊपर हमेशा ऐसा ही बना रहे, माता रानी की कृपा ऐसी ही बरसती रहे। बिल्कुल, कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। माता रानी के दर्शन हुए, क्या कुछ कहेंगे? कितना भव्य और दिव्य रूप है, नवरात्र में कितना उत्साह है। बहुत अच्छा लगा नवरात्रि में तो, लास्ट वाले दिन तो इतना अच्छा लगता है, इतना मतलब। बिल्कुल, श्रद्धा भक्ति है। क्या कुछ कहेंगे आप माता रानी के दर्शन करने? मैं तो यही बोलना चाहूंगी, खंडवा की रानी, माता चौक की रानी। माता चौक की रानी, खंडवा की रानी, आप माता जी के दर्शन करने आए हैं, आज दर्शन किए हैं, क्या कुछ मन में भाव है? भाव माँ को देख के अपने आप उमड़ते हैं, और माँ है वो सब जानती है, और 9 दिन ही नहीं 365 दिन हम चाहते हैं कि माँ को हम निहारते रहें। बिल्कुल, बड़े ही नहीं बच्चे भी मौजूद हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? माता रानी को देख के बड़ा अच्छा लगा, और माता रानी के दर्शन करना चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है खंडवा के जो माता चौक पर जेपीपी क्लब ने जिस तरह से माता रानी को यहाँ बैठाया है। बिल्कुल अमित भाव विभोर हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए आकाश, आपका भी धन्यवाद। और भोपाल में रावण दहन को लेकर पुतलों का बाजार सजकर तैयार है। बाजार में 1 फीट से लेकर 100 फीट से अधिक के पुतले बिक रहे हैं। कल भोपाल में 1000 से अधिक स्थानों पर पुतलों का दहन किया जाना है। कोलार, जम्बूरी मैदान, छोला दशहरा मैदान, टीटी नगर स्टेडियम और बिट्टन मार्केट में बड़ा आयोजन होता है, जिसमें आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र होती है। नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल विजयदशमी का पर्व मनाया जाना, उसको लेकर राजधानी भोपाल में व्यापक व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है, और इस वक्त हम रावण बनाने वाली जो मार्केट है वहां पर मौजूद, आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में यहां जो रावण के पुतले हैं वो बनाए गए हैं। अगर सबसे ऊंचे की बात करूं तो 105 फुट का रावण भी राजधानी भोपाल में दहन किया जाएगा। उसके अलावा छोटे पुतले भी हैं वो जो गली मोहल्लों में के दहन किए जाएंगे। राजधानी भोपाल में लगभग 1000 से अधिक जगह ऐसी होंगी जहां पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। कुछ कारीगर जो है वो जो रावण की इस जो प्रतिमा है या जो उसको अंतिम रूप देने में लगे, ये बताइए किस तरह के रावण इस बार आप लोग तैयार कर रहे हैं, छोटे बड़े किस तरह के और क्या रेट रखे हैं? 500 से लेकर 50,000 तक। अच्छा जी, तो कैसा रिस्पांस है इस बार? इस बार तो बहुत कम ही, इस बार कम रावण है जी, बिक नहीं रहे जी। तो क्या रेट ज्यादा हो गए, लागत आप लोगों की बढ़ गई क्या? नहीं, बड़ी नहीं है, वही की लागत है, वही अगले साल बेचते थे वही लागत। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो रावण की जो पुतले हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे मार्केट आप देख सकते हैं कि रावण के पुतलों की भरमार जो है वो है, लेकिन जो कारीगर हैं वो बता रहे हैं कि जितनी मात्रा में पिछले सालों में ऑर्डर मिलते रहे हैं उतने ऑर्डर इस बार नहीं मिल रहे, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है और कल जो है वो विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो रावण खरीदने वालों की संख्या जो है वो आज से इजाफा होगा, और कल राजधानी भोपाल के 1000 से अधिक स्थानों पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। और सीधे तौर पर जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक का पर्व है वो राजधानी भोपाल में धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर के साथ साथ प्रदेश भर में दशहरे का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी की WRS कॉलोनी में दशहरे का मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। 101 फीट के रावण का दहन होगा। रावण भाटा में भी दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। रायपुर में दशहरा उत्सव को लेकर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। 2000 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा।
तो दशहरा उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। रायपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी बड़े स्तर पर कई जगहों पर रावण दहन का आयोजन होता है। का मुख्य कार्यक्रम WRS कॉलोनी में होगा और आप देख सकते हैं कल पूरे प्रदेश में दशहरा का जो पर्व है धूमधाम से मनाया जाएगा। रावण दहन होगा जगह जगह, लेकिन WRS कॉलोनी में 101 फीट का रावण बनाया जा रहा है। इसके अलावा रावण भाटा है, वहां पर भी भव्य तैयारी है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोनों जगह कार्यक्रम में शामिल होंगे। रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे और लगभग 5:30 बजे जो WRS कॉलोनी पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रदेश के तमाम मंत्री विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। उसके बाद 6:30 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रावण भाटा जाएंगे, वहां पर दशहरा उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो तैयारी की जा रही है और जिस तरह से तमाम जो जिलों में प्रदेश में छत्तीसगढ़ के दशहरा का पर्व है धूमधाम से मनाया जाएगा, साथ ही साथ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। 2000 से अधिक जो पुलिस बल हैं वो तैनात किए गए हैं राजधानी रायपुर में। इसके अलावा अलग अलग जिलों में भी पुलिस के सुरक्षा के पर्याप्त पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आज महानवमी है, पूरे देश में मां दुर्गा की उपासना हो रही है, शक्ति की आराधना का त्यौहार मन रहा है। तो वहीं MP में प्रदेश की मोहन सरकार ने भी नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए अहम पदों पर जिम्मेदारी दी है। अलग यह कि प्रदेश की 55 जिलों में से 10 जिलों की कमान महिला अधिकारियों के हाथों में है। ये रिपोर्ट देखिए आप। देवी अहिल्या की धरती वो अहिल्या बाई होलकर जिन्होंने अपने राज्य की सीमाएं नहीं देखी, देखी तो आम लोगों की जरूरत, उनकी भावना। जीवन काल में ही वो देवी बन गईं। दूसरा नाम रानी दुर्गावती का, जिनका शौर्य ऐसा कि मुगल शासकों ने भी लोहा माना। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के नाक में दम करने वाली रानी, इतनी वीर की भारत का बच्चा बच्चा नाम से वाकिफ है। ऐसी वीरांगनाओं की धरती पर नारी शक्ति और उनके महत्व को प्रदेश सरकार ने भी समझा और यही वजह है कि प्रदेश में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। मसलन 55 में से 10 जिलों की कलेक्टर महिला, 9 जिलों में जिला पंचायत CEO महिला, मोहन कैबिनेट में भी 5 महिला मंत्री शामिल। इस वक्त मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 10 की कमान महिला कलेक्टरों के हाथों में है। इनमें रुचिका चौहान ग्वालियर कलेक्टर, प्रतिभा पाल रीवा कलेक्टर, रिजू बाफना शाजापुर कलेक्टर, शीतला पटले नरसिंहपुर कलेक्टर, संस्कृति जैन सिवनी कलेक्टर, रानी बातड़ मैहर कलेक्टर, अदिति गर्ग मंदसौर कलेक्टर, सोनिया मीना नर्मदापुरम कलेक्टर, नेहा मीना झाबुआ कलेक्टर, भव्या मित्तल बुरहानपुर कलेक्टर। प्रदेश के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी महिला अधिकारी महत्वपूर्ण पदों की शोभा बढ़ा रही हैं। तो क्या इसे महज संयोग समझें? देखिए, हमारे यहाँ तो परंपरा ही ऐसी है जो मातृ संस्था को मानते हैं, इसलिए देश भी भारत माता की जय बोलता है। हम तो पृथ्वी को भी माता के रूप में मानते हैं, सृष्टि को भी मातृ संस्था से जोड़ते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारी अपनी प्राचीन परंपरा में अगर हमने इस बात को रखा है तो ये गौरव करने वाली बात है। जहाँ भाई बहन के रिश्ते में हमारे यहाँ स्त्री पुरुष में कभी कोई बंधन नहीं है, कोई कभी भेदभाव नहीं है। अहम जिम्मेदारी निभाने वाली महिला अधिकारी इसे कैसे देखती हैं, इनकी ही जुबानी सुनिए। शासन द्वारा जहाँ भी पदस्थापना हम लोगों की जाती है वहाँ हम लोग तदर्थ पदस्थापना जहाँ भी रहते हैं वहाँ काम करते हैं। जिस भी जिले में या जिस भी असाइनमेंट में जब काम करते हैं तो हम लोगों का प्रयास रहता है, सभी का बल्कि प्रयास रहता है कि अपने लिए निर्धारित जो भी कार्य हैं वो समय सीमा में हो। और महिलाओं का हर फील्ड में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 10 जिले ऐसे हैं जिसमें महिला कलेक्टर्स ने कमान संभाल रखी है। तो इससे जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व बढ़ता है एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो हम लोगों का, हमें एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है अनडाउटेडली। वही बुरहानपुर के कलेक्टर का कहना है कि वो खुद को महिला और पुरुष के खांचे में नहीं बल्कि प्रशासक के तौर पर देखती हैं।
कि एक तरीके से ये समाज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि समाज में अब महिलाओं को भी पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मुझको अलग से कुछ विशेष रूप से महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम एक प्रशासक हैं, हम अपने आप को महिला प्रशासक या पुरुष प्रशासक के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन द फैक्ट कि 10 लोग महिला हैं ये समाज की ही डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रदेश के कई जिलों में SP, निगम कमिश्नर, विभागों में कमिश्नर के पद पर महिला अधिकारी तैनात हैं। कई रिकॉर्ड बना चुके मध्य प्रदेश से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में महिला अधिकारियों को लेकर उपलब्धि हासिल करेगा और अगर ऐसा हुआ तो ये नजीर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के।